जहां बाकी दलों के मन में बहुत तरह की शंकाएं थी, लेकिन उन्होंने संविधान संशोधन के पक्ष में वोट किया कि राष्ट्रीय जनता दल एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने केवल विरोधी नहीं किया बल्कि मतदान भी विरोध भी किया। तब यू टर्न और कोई टर्न नहीं, जब तो जो तीर निकल चुका है, जो मैसेज जनता चला गया, ये यही लोग हैं जो कहते हैं भूरा बाल साफ करो। ये सवर्ण जातियों के लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं कि इस देश के सवर्णों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। तो राष्ट्रीय जनता दल जिस प्रकार की राजनीति करती रही है, और देखिए नरेंद्र मोदी जी ने न एससी एसटी ओबीसी इनके आरक्षण को बिना छुए हुए उनको बरकरार रखते हुए और 10% का आरक्षण देने का काम किया है। इसलिए देखिए अब तो राष्ट्रीय जनता दल अपना मुंह बचा रही है। उनके एक नेता कुछ कह रहे हैं, दूसरे नेता कुछ कह रहे हैं। रघुवंश साहू कह रहे हैं कि कांग्रेस जब तक गठबंधन में शामिल नहीं होगा वो महागठबंधन ही वो गठबंधन है, और दूसरे नेता जाकर वहाँ और बूके पहुँचा कर आ रहे हैं, पाँव छू रहे हैं। तो देखिए महागठबंधन तो पल ही बिखर गया है, और से कोई किसी के आरक्षण का अगर विरोध करेगा और उसका आधार क्या, कोई आधार तो है नहीं। इसलिए इसका खामियाजा इस चुनाव के अंदर और राष्ट्रीय जनता दल को भुगतना पड़ेगा।